दोस्तों आपको बताते हैं सहजन के बारे में। सहजन को कई नामों से जाना जाता है, इसको सहजना, सूजना, सेंजना और मुनगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है मोरिंगा ओलिफेरा। गोरखपुर के राष्ट्रीय बागवानी शोध एवं विकास संस्थान के अनुसार 5,000 साल पूर्व आयुर्वेद ने सहजन की जिस खूबियों को पहचाना था, आज भी वैज्ञानिक युग में यह साबित हो चुकी है। फिलीपींस, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में पाया जाता है और ये भारत में साउथ इंडिया में 12 महीने पाया जाता है और इसे सांभर में, इसके बीज को, फली को सांभर में मिला के खाया जाता है। और उत्तर भारत में ये जाड़े के बाद इसकी फली का सब्जी बना के खाया जाता है। और इसके यह जिस जमीन पर लगाया जाता है वो जमीन भी बहुत फायदेमंद हो जाती है। और इसके बीज में एक अजीब किस्म का क्लोरिफिकेशन एजेंट पाया जाता है जो पानी को बैक्टीरिया फ्री बना देता है और पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है, जिससे जीव वैज्ञानिक के नज़रिए से यह जल मानवीय उपयोग के लिए अधिक योग्य बन जाता है। और इसकी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, बी एंड बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें 96 मल्टीविटामिन्स होते हैं, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और 36 तरह के एंटीबॉडीज और 18 तरह के एमिनो एसिड होते हैं। और आज के दौर में आप देख रहे हैं कोरोना से पीड़ित लोग की संख्या कैसे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। और कोरोना के बारे में आज ये कुछ बताते हैं आपको कि ये मनुष्य के इम्यून सिस्टम को संक्रमित कर देता है और इम्यून सिस्टम के संक्रमित होने से हमें सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक हो सकता है। और हमारे इम्यून सिस्टम पर यह दो तरह से हमला करता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी हमले के रूप में यह वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के जरिए हमला करता है और यह आंतरिक तरीके से हमारे अंदर ही टॉक्सिक एलिमेंट के रूप में और फ्री रेडिकल्स के रूप में हमला करता है। और बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में, जैसे ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और अपने जीवित रहने के लिए हमारे सेल्स पे हमला करते हैं और सेल्स को काउंटर पार्ट करने के लिए हमारा जो सर इम्यून सिस्टम है वो टी सेल्स करते हैं, काउंटर पार्ट करता है। और उसके बावजूद भी अगर कुछ संक्रमण बच जाते हैं, संक्रमित बैक्टीरिया वायरस बच जाते हैं, तो उसके लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जो कि सहजन में 36 किस्म का पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है। और आंतरिक हमले के रूप में कोरोना वायरस हमें टॉक्सिक, हमारे बॉडी को टॉक्सिक कर देता है और फ्री रेडिकल जनरेट करता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप गुनगुना पानी पी सकते हैं या फिर सहजन के पत्ते में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है और हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। और स्क्रीन पे कई तरह के आपको फ़ोटो दिखेंगे, उसको पढ़ के इसके बारे में डिटेल आप जान सकते हैं कि सहजन की क्वालिटी क्या क्या होती है। वैसे ये बहु औषधि गुण के साथ बहुत गुण लिए होता है इसके अंदर। ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और ये इसकी फली, इसका छाल, इसके जड़ किसी न किसी औषधि गुण को लिए हुए हैं। और ये स्क्रीन पे दिख रहे फोटो को आप पढ़ पढ़ के इसकी डिटेल जान सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे वीडियो में इतने महान पेड़ की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ओके, जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
खाना बदोश ना देखो, बिलाई कौन दबाना ना भूले।